नमस्कार, आज फिर से हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग की। अपना नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है, पहले सब लोग अपने निकाल लें, टेबल पे रख लें। ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूटी में है, लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था उसी के आगे का आज डिस्कशन करना है। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर पुराने बैठे हों, तो जरा हैंड रेस करेंगे कि लास्ट जो लेक्चर मेरा हुआ था कितने बच्चों ने अटेंड किया था। कोई स्टूडेंट इसमें ऐसे बैठे हैं जो लास्ट लेक्चर में मेरे द्वारा जो लेक्चर लिया गया था ऑडिटिंग का, उसमें कितने स्टूडेंट बैठे थे, तो जरा ऐसे हाथ खड़ा करके बताइए, थोड़ा मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। कोई भी स्टूडेंट नहीं था क्या इसमें? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज फिर से दो स्लाइड तीन स्लाइड जो है वो पहले हम फिर से समझ लें। जैसे कि आपके आगे दिखाई दे रहा है ऑडिटिंग, आपके छठे सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। इसका जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और अकाउंट्स के साथ साथ ऑडिटिंग अपने आप जुड़ जाता है। सभी को पता है कि आजकल ऑडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने खाते रखते हैं और आजकल तो हम अपने खाते बैंक में रखते हैं और बैंक के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये बात होती है कि हमारे जो खाते हैं वो सही हों या नहीं। अब इन खातों का पता कैसे लगाना है कि वो सही है या नहीं? हम सभी को मालूम है कि पहले जो हम अभी भी जो कैशबुक रखते हैं वो हमारी संस्थान में या हमारे बिजनेस में रखी जाती है, लेकिन ट्रांजेक्शन अगर बैंक के थ्रू हो रहा है तो उस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम किस तरह की? कि हमने कैशबुक में एंट्री नहीं की, किसी ने हमें पैसा दिया, सीधा हमारे बैंक खाते में जमा कर दिया, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमारा कैशबुक और बैंक की जो पासबुक है वो मिलान नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमें किसी से चेक रिसीव हुआ, हमने अपने कैशबुक में उसकी कैश के नाम से एंट्री पास कर ली, लेकिन जब वो बैंक में भेजा गया तो जिस भी पर्सन ने उस चेक को हमें दिया था उसके बैंक में पैसे नहीं है और चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई और उसकी भी एंट्री हमने अपने कैशबुक में नहीं करी। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं। जब आप अकाउंट्स के बारे में आप लोग पढ़ते ही हैं, 6th सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारी चीजें मालूम भी हैं कि कौन सी एंट्री होती है या किस तरीके से हमें, जहां पर हमको ये देखना होता है कि हमारा कैश और बैंक का पासबुक मिलान नहीं होता तो हम ढूंढने बैठ जाते हैं। इवन आप अपनी कैशबुक या आप अपना बैंक में डिपॉजिट जब आप देखते हो तो कई बार आपको लगता है कि अरे ये पैसा कहाँ से आया या ये अमाउंट हमें कैसे रिसीव हो गया, तो आप अपने में भी सर्च करने लगते हो। तो आज तो हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करने वाले हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारी इनकम भी होती है जो हमारे कैशबुक और पासबुक में एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। अगर ये एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें कोई अंतर है, तो उस अंतर के लिए हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, और ऑब्वियसली सुना ही होगा क्योंकि हम 11th या 12th के पेपर में सब्जेक्ट में इस वाले चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ऑडिटिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए इसकी डेफिनेशन, आपके सामने जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है इसको पहले मैं रीड कर रही हूँ, फिर इसके बाद इसका मीनिंग समझाऊंगी। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860। द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू बी स्प्रेड एजुकेशन एंड नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट। द फॉलोइंग टेबल list out the sources for collection of amount and also the different types of expenses incurred by the educational institution. हम लोग अभी ऑडिट की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में ऑडिट आता है तो हमको ये लगने लगता है कि जरूर किसी संस्था ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इससे प्रॉफिट अर्न किया होगा या कुछ पैसा बचाया होगा जिसका खातों में लिखा नहीं गया है। तो आपको बता दें कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक ये रेगुलेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं। इनका बिल्कुल भी उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका जो उद्देश्य होता है एक तरीके से सेवा करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना ही होता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑडिट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी चीज कहीं पर भी गड़बड़ की गई है या किसी तरीके से इसमें फ्रॉड किया गया है। तो दिमाग में हम पहले सेट कर लें कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, लेकिन
उसके बाद भी जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो पैसा हमारे पास से एज एक्सपेंसेस जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो आगे मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी इनकम होती है जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्राप्त होती है। ये सोर्सेज दे रखे हैं, मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्शन। एक शैक्षणिक संस्था के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, आप सब लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि आप जब अपनी फीस देते हैं तो उस फीस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं या कौन कौन से अमाउंट शामिल होते हैं, उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कोई भी आपके लिए नई चीज नहीं है, आप सब जानते हैं, सिर्फ हमको इसको क्रमबद्ध तरीके से हमें रखना है कि किस तरीके से हम इसको सिचुएशन में या एक सिक्वेंस में जमाएं जिसे हमें इजीली समझ में आए। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी फी रसीद देखी होगी, जो बच्चे पुराने बैठे हैं उनको मैंने बताया भी था कि घर जाके आप अपनी फी रिसीट देखिएगा और उसमें देखिएगा कि आपसे कौन कौन सा अमाउंट वसूला जाता है या एक शैक्षणिक संस्थान अपनी फीस में किस किस तरीके की अमाउंट को शामिल करती है। सबसे पहले दे रखा है एडमिशन फीस, सभी जानते हैं, अभी भी आपने एडमिशन लिया होगा 2017 में, जब आपने री एडमिशन भी लिया होगा तब भी आपसे एडमिशन फीस के नाम से पैसा लिया गया होगा। दूसरा, शैक्षणिक संस्था का जो इनकम होती है या शैक्षणिक संस्था जो अमाउंट आपसे रिसीव करती है, ट्यूशन फीस के नाम से लेती है, अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फीस आप भर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई गलत तरीके से या गणवेश में आप नहीं है, प्रॉपर ड्रेस में आप कॉलेज में नहीं आए हैं, तो आपसे फाइन लिया जाता है। तो ये चार पांच तरीके से एक टोटल एडमिशन फीस या टोटल शुल्क एक स्टूडेंट से एक संस्था के द्वारा लिया जाता है। तो आप इसमें आप नोट करते जाइए, ऐसे सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको लिखते भी जाना है, क्योंकि कंपल्सरी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इनकम के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, फाइन्स, या इसके अलावा और भी कई बार कुछ कुछ और भी होता है जैसे अभी आगे लिखा हुआ है। दूसरा, सिक्योरिटी फ्रॉम स्टूडेंट। सिक्योरिटी फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब है कि स्टूडेंट से कॉशन मनी लेना, एक कॉशन मनी ली जाती है। अभी आप 6th सेमेस्टर के हैं, जैसे ही आप 6th सेमेस्टर पास कर लेंगे आपकी कॉशन मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी, तो वो सिक्योरिटी है। अगर आपने कॉलेज में कोई बेंच थोड़ी है, किसी तरीके से नुकसान किया है, तो वो कॉशन मनी में से जो इंस्टीट्यूशन है या जो महाविद्यालय है वो पैसा वसूल लेता है। तो इजिली आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, सिक्योरिटीज फ्रॉम स्टूडेंट, और अब लिख करके आप उसमें लिख लें कॉशन मनी। तीसरा है डोनेशन फ्रॉम पब्लिक। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट सेक्शन संस्थाएं होती हैं, वो बच्चों से एक डोनेशन के रूप में भी कुछ राशि प्राप्त करती हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे और उसकी आपने स्लिप देखी होगी तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ अमाउंट आपका डोनेशन के नाम से भी लिखा हुआ होता है। तो तीसरा पॉइंट आप नोट कर ले, डोनेशन फ्रॉम पब्लिक। एक और आपने UGC का नाम सुना है। इसी तरीके से कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो हमको ग्रांट देती है, हमें हमारे महाविद्यालय को, हमारे स्कूल को रन करने के लिए कुछ हमें ग्रांट रिसीव होती है। तो वो ग्रांट जो मिल रही है, बिल्डिंग के लिए भी मिल सकती है, बच्चों ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है उनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मिल सकती है, ऑलरेडी हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी ये ग्रांट हमें रिसीव हो सकती है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग प्राइजेस एंड मेंटेनेंस। इसी तरीके से और भी फर्नीचर के लिए भी मिल सकता है, या कुछ और हम डेवलपमेंट का वर्क करना चाहते हैं जिसके लिए हम अपने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है, तो उस पर भी हमें ग्रांट रिसीव हो सकती है। और भी तरीके का बजट, इवन आप हायर एजुकेशन की साइट देखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी साइट पर बहुत कई तरीके के बजट ना गवर्नमेंट आपको देती है जिसका यूज बच्चों के लिए और महाविद्यालय के लिए किया जाता है। अब हम लोग आ जाएं एक्सपेंसेस या पेमेंट्स किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऐसे पेमेंट हैं जो हमें करने होते हैं। अभी हम लोगों ने चार तरह की इनकम पढ़ी, एक होता है प्रवेश शुल्क जो अभी आपने देखा, ट्यूशन फीस देखा आपने, सिक्योरिटी देखी, डोनेशन देखा, या इसके अलावा गवर्नमेंट की जो ग्रांट होती है वो हमको मिलती है। अब इनका यूज कैसे किया जाता है, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम इन एक्सपेंसेस को
खर्च करेंगे, एक पर्टिकुलर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके के एक्सपेंसेस यूज करता है या किस तरीके के पेमेंट्स वो करता है। आप लाइन से लिखते जाएंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और पेमेंट्स। अगर हमने कुछ खरीदा है तो वो पेमेंट होगा, अगर हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया है तो वो एक्सपेंसेस के नाम से आएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, आप लिख करके लिख लीजिए पेमेंट्स। नंबर 1 पे लिखिए जो स्टाफ होता है, जो चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनकी सैलरी दी जाती है जिससे हम काम लेते हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम लिया जा रहा हो, चाहे वो ऑफिस का काम लिया जा रहा हो। तो सैलरी आप एक के नीचे एक लिखते जाइएगा, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आपके पास पॉइंट दिख रहे हैं वैसे ही आप लिखें, अगर आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे आप लिखते जाइएगा। लिखिए सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। आप लोगों ने लास्ट ईयर इनकम टैक्स पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है कि एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आधा एम्प्लॉयर देता है और आधा एम्प्लॉई खुद देता है। तो वो प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इजीली मुझे लगता है जो 3-4 पॉइंट है आपको समझ में आ गए होंगे कि एक शैक्षणिक संस्था के जो एक्सपेंडिचर होते हैं या जो पेमेंट होते हैं वो सैलरी के रूप में हो सकते हैं। अलाउंसेस का मतलब जिसे हाउस रेंट का कोई अलाउंस दिया जा रहा है, हाउस के लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है, आप एक जगह से ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उस समय जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो गवर्नमेंट या आपका ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रहा है, वो अलाउंसेस के अंदर हो गया। प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है, तो ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस। एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पेपर बनाए जाते हैं, जो कॉपीज आपको प्रोवाइड की जाती है, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, जो हम पेन पेंसिल इवन कॉपी भी यूज करते हैं, रबर या बहुत सारी सी चीजें हैं स्टेशनरी के अंदर, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको कुल मिलाकर स्टेशनरी का नाम दिया जाता है। हम अलग से नहीं कहते कि पेन खरीदना है हमें, रबर खरीदनी है हमें या पेंसिल लेनी है, पूरा का पूरा जो सामान आता है वो स्टेशनरी के अंदर होता है। तो नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर जो ऐसे बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उनको भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे सकती है, वो पर्टिकुलर संस्थान दे सकता है, दोनों तरीके से मिल सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं अगर उस महाविद्यालय ने किसी तरीके का स्कॉलरशिप लॉन्च करके रखा है वो आपको फायदा मिल सकता है, या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर लिखिए परचेज एंड रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड पिक्चर्स। परचेज एंड रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड पिक्चर्स, जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, जिन फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं इसको खरीदने पर अगर ये टूट गई है तो इसकी रिपेयरिंग पर एक्सपेंडिचर करना, खरीदना अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ये पेमेंट के अंदर आ जाएगा, और अगर हम फर्नीचर की रिपेयरिंग करा रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हमने दोनों पॉइंट लिखे हैं, परचेज एंड रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड पिक्चर्स। नेक्स्ट लिखिए प्राइजेस, जो आपको प्राइज किसी टॉप करने पर या खेल कूद में फर्स्ट आने पर जो आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पे जो संस्था या महाविद्यालय जो खर्च करता है वो भी उसका एक एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस ऑन, नेक्स्ट लिखे एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो आपको स्पोर्ट्स के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं, बैट बॉल बैडमिंटन या इसी तरीके के टेबल टेनिस के लिए टेबल या बहुत सारे ऐसे होते हैं खेल के जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिए जाते हैं उस पर जो खर्च होता है वो एक महाविद्यालय या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। फेस्टिवल एंड फंक्शन एक्सपेंसेस, आपके यहाँ जो एनुअल फंक्शन होते हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे फंक्शन हुआ तो हमने टेंट वाले को बुलाया, या कुछ जो भी हमने प्रोग्राम करना है उसकी जो ड्रेसेस वगैरह बच्चों यूज करते हैं उसको हमने किराए पे लिया या परचेस करके अपने पास रखा है, तो उस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है या एक महाविद्यालय का एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा।
लाइब्रेरी बुक्स सभी को पता है, सभी कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, हर साल नई नई बुक्स आती हैं और हमें हर तरह की बुक पढ़नी भी चाहिए। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स के लिए बजट होता है या जो बुक्स खरीदी जाती हैं वो हमारा एक महाविद्यालय का एक्सपेंडिचर होता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आपने देखा होगा, आप अपनी लाइब्रेरी जाते होंगे, उसमें कई तरीके के न्यूज़पेपर आते हैं। जैसे घर में तो हमारे एक ही न्यूज़पेपर आता है, लेकिन जब हम लाइब्रेरी में बैठेंगे तो लाइब्रेरी में देखेंगे आपके उस पर्टिकुलर शहर में जितने भी तरीके के न्यूज़पेपर आते हैं सब अवेलेबल होते हैं। तो वो सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स दोनों तरह की होती हैं, जीके के लिए भी मैगजीन्स आ सकती हैं, बिजनेस के लिए भी मैगजीन्स आ सकती हैं, या इसके अलावा जो और भी मैगजीन्स आती हैं और जो बच्चों के लिए या स्टाफ के लिए यूज वाली हैं वो सारी मैगजीन्स के अंदर इन्वॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस एक फर्स्ट एड किट भी कॉलेज में अवेलेबल होता है, तो उस पे जो एक्सपेंसेस किया जा रहा है बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए या किसी तरीके की कुछ अनहोनी हो गई तो उस समय जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो उसके लिए एक अलग से बजट रखा जाता है कॉलेज में। फिर ऑडिट फीस एंड ऑडिट एक्सपेंसेस, जैसे भी हम लोग बात ही कर रहे हैं कि जब हम ऑडिट करवाते हैं तो अलग से ऑडिटर या सीए अपॉइंट करते हैं, वो सीए हमारे संस्थान का आय का और व्यय का ऑडिट करता है, तो उसकी जो फीस दी जाती है वो ऑडिट फीस या ऑडिट एक्सपेंसेस के अंदर शामिल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो भी बिजली का बिल एक महाविद्यालय के नाम पर आता है उसके लिए अलग से एक्सपेंडिचर या बजट बनाया जाता है, वो एक्सपेंसेस हो गए। टेलीफोन एक्सपेंसेस, सभी कॉलेज में टेलीफोन अवेलेबल होते हैं, उसका एक्सपेंडिचर या टेलीफोन बिल जो हम पे करते हैं उस तरह के एक्सपेंसेस हो गए। साइंस, जहाँ जिस कॉलेज में साइंस है उसके लिए हम लेबोरेटरी लैब वगैरह के लिए जो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया। लेबोरेटरी के चाहे वो इक्विपमेंट हुआ या लेबोरेटरी को मेंटेनेंस करने के जो एक्सपेंडिचर हुए वो दोनों शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग है उसको प्रॉपर हर साल उसमें पुताई वॉश करवाना, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस में ऐसी कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है जिससे आप डिनाई करेंगे कि ये किसी महाविद्यालय या स्कूल शिक्षा में या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ये हमने वही सारे की लिस्टिंग करी है जो एक शैक्षणिक संस्था को आवश्यक रूप से पेमेंट या एक्सपेंडिचर में करने होते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि जब हम ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिट से पहले कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रपत्र होते हैं जो एक सेशन संस्थान को अपने पास रखने चाहिए और जब ऑडिटर उसको बोलता है तो उन चीजों को वो अवेलेबल करवा पाए। तो वो कौन कौन से प्रपत्र होते हैं या कौन कौन सी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो कुछ लिस्ट दी है। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर बाय एन ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी ऑडिटर है उसको जो भी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहला है, इट इज टू बी कंफर्म वेदर द लेटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर। जो भी ऑडिटर या सीए अपॉइंट है उसके पास उस संस्था के द्वारा लिखा हुआ एक आदेश होना चाहिए, तब कहीं जाके वो ऑडिट करने जाएगा। और दूसरा, जो उसका स्टाफ होगा तब उसको ऑडिटर को अपने बुक्स अवेलेबल करवाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी संस्था में जाना है ऑडिट करने तो हम अपना आदेश लेना ही भूल गए और जाकर बोल रहे हैं कि आप हमको ना ऑडिट करने के लिए हमें परमिट करो। तो क्या बोलेगा वो संस्था प्रमुख जो होगा वो ये बोलेगा कि पहले आपके पास हमारे यहाँ का ऑडिट करने का कोई आदेश है या नहीं, तो बताएंगे कि ये आदेश है, इसके तहत हमें आप इस संस्था का ऑडिट करना है। सबसे जरूरी बात होती है, सबसे पहला प्रपत्र होता है जो आदेश के रूप में उस पर्टिकुलर ऑडिटर के पास जो उस संस्था का ऑडिट करने जा रहा है उसके पास होना चाहिए। दूसरा है, दी ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड एज मेंटेन बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे ही जब वो आदेश लेके पहुंचता है तो वो बताता है स्टाफ को या जो संस्था प्रमुख होता है, जो प्रिंसिपल होता है या जो वहां का नियंत्रक होता है उसको या रजिस्ट्रार होता है उसको बताता है कि आप इन, वो एक लिस्ट बना लेता है, एक लिस्ट तैयार कर लेता है कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स हमको अवेलेबल करवाइए, हमें रिकॉर्ड रजिस्टर अवेलेबल करवाइए, आपकी कैश बुक हमें अवेलेबल करवाइए। तो इस तरीके से वो लिस्ट बना के दे देता है कि ऑडिट करने में हमें इन इन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, उन प्रपत्रों को आप
अवेलेबल टाइम टू टाइम या जैसे जैसे हमारे द्वारा मांगा जाएगा उस समय आप अवेलेबल करवाएंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट उसका जो काम होता है तो वो होता है, यू शुड एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर एंड शुड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिफिकेशन इफ एनी। फिर वो बोलेगा कि क्या आपका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था, तो वहां बताया गया कि हाँ लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था, तो बोलेगा कि लास्ट ईयर की ऑडिट की रिपोर्ट ले आइए। उस ऑडिट रिपोर्ट में वो देखेगा कि जिस ऑडिट रिपोर्ट को वो देख रहा है, जो लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें जो जो सजेशन दिए गए हैं वो एक साल में उसको फॉलो किया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऑडिटर रिपोर्ट देके चला गया और आपने उसको अपने फाइल में लगा लिया और उस पर कोई भी काम नहीं किया। तो जो भी ऑडिटर होता है वो लास्ट ईयर की पहले रिपोर्ट मांगेगा, उस रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ होगा उसको अच्छे तरीके से उसका गहन अध्ययन करेगा, उसकी सही तरीके से स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद फिर वो बोलेगा कि जो भी चीजें आपके पास लास्ट ईयर जो कमेंट्स किए गए थे, जो सजेशन आपको दिए गए थे, उन सजेशन को आपने किस तरीके से पूरा किया है या माना है या नहीं माना है, वो आप हमें पहले दिखाइए, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। फिर ही शुड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग टू अकाउंट्स एंड ऑडिट फ्रॉम द ट्रस्ट डीड चार्टर ऑफ रेगुलेशन। अगर कोई रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली किसी तरीके का इम्पोर्टेंट या कोई प्रोविजन है, उस प्रोविजन को मांग लेगा कि पर्टिकुलर ये महाविद्यालय है इसमें किसी अलग तरीके का प्रोविजन तो नहीं अप्लाई होता है, तो वो आप बता दीजिए कि इसमें हमें ऑडिट के लिए किन प्रोविजन को हमें ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स हो गए, अभी आगे और भी पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम देखेंगे। इसके अलावा ही शुड एग्जामिन द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और दी गवर्निंग बॉडी फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग दी सेल और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम अब बोलेगा कि जो आपकी बोर्ड ऑफ या गवर्निंग बॉडी होती है या जो आपके ट्रस्ट की जो मीटिंग होती है, ट्रस्टीज की जो मीटिंग होती है, उन्होंने किसी तरीके के कमेंट्स किए हैं या उसमें आपने क्या चीज पास कराई है, कि आपका कॉलेज किस तरीके से रन करता है, वो मीटिंग्स के पॉइंट्स या जो आपने एजेंडा रखा होगा उस एजेंडे के अगर पूरे पॉइंट पास हुए तो वो मुझे आप मीटिंग्स के मिनट्स बता दीजिए, जिसके अकॉर्डिंगली ऑडिट करना शुरू करें। ऐसा तो नहीं कि मीटिंग्स में कुछ पास हुआ है और काम हम किसी और तरीके का कर रहे हैं। तो नेक्स्ट उसका काम होता है कि जो भी चीजें उसको अवेलेबल कराई जा रही हैं, उस अवेलेबल कराने के साथ साथ वो रेगुलेशन या मीटिंग्स के पॉइंट या मिनट्स भी उनको अवेलेबल करवाएं, वो देखेगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी द ग्रांट कमीशन प्रोवाइड ग्रांट टू देम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। द ऑडिटर शुड स्टडी ऑल द कंडीशन कंसर्निंग ग्रांट। इसके बाद जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि यूजीसी ग्रांट कमीशन का या यूजीसी का नाम सुना है आपने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम सुना है, तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है वो कई तरीके की ग्रांट्स कई तरीके के महाविद्यालयों को अवेलेबल करवाता है। तो वो पर्टिकुलर जिस काम के लिए पैसा अवेलेबल करवा रहा है उसी काम में वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेगा। तो वो इसकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो भी लेटर आया है उस लेटर में देखेगा कि इतना फंड दिया गया था, इस फंड को इसी पर्टिकुलर काम के लिए प्रयोग किया गया है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द कोड ऑफ स्टेट रिगार्डिंग ग्रांट इन एट। जैसे अभी हमने यूजीसी की बात की, वैसे कोड ऑफ स्टेट कोई रूल्स रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली ग्रांट या कोई पैसा जो हमें मिला हुआ है विदाउट परमिशन हमें कुछ यूज नहीं करना है, परमिशन के अकॉर्डिंगली हम यूज कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रोविजन एंड रूल्स ऑफ रिलेटेड लॉ कंसर्निंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट। जो भी उस पर्टिकुलर संस्था में जिस भी तरीके से खाते रखे जाने चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली खाते रखे जा रहे हैं या नहीं, उनके भी वो रूल्स या प्रोविजन मांग लेगा कि यहाँ पर किस तरीके से रूल्स और या किस तरीके के प्रोविजन अवेलेबल हैं जिनको देखना आवश्यक है, तो पहले वो मांगेगा, उसके बाद वो अपना आगे काम करेगा। अभी हम लोगों ने बात की थी कि ऑडिटर को अपनी प्रारंभिक जांच करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एक और एक चीज और वो देख लेता है कि क्या जो ये पर्टिकुलर संस्था है इस संस्था में इंटरनल ऑडिट का कोई प्रावधान है या नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिट का प्रावधान है तो वो इंटरनल ऑडिट के बारे में भी जानकारी हासिल करेगा। जो ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल पर्सन होता है या बाहर से आया हुआ होता है,
और जो इंटरनल ऑडिट होता है वो जितना बड़ा स्टाफ होता है उसी स्टाफ के बीच में वो काम कराया जाता है। तो साथ में वो ये भी देखेगा कि इंटरनल अगर ऑडिट होता है तो उसके लिए वो क्या क्या डिमांड करेगा या क्या चीज अपने ध्यान में रखकर उस स्टाफ से या उस प्रमुख से बात करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर फिर एक हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसे क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या आपका आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से क्या तात्पर्य है ऑडिट के संबंध में या अंकेक्षण के संबंध में। आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, इसको तैयार भी करना है। लिखिए, अंकेक्षण के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट में रीड कर रही हूँ, द ऑडिटर शुड इंडिपेंडेंटली चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग ऑथराइजेशन प्रोसीजर, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, रोटेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टाफ ड्यूटी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब ऑडिटर बैठा रहेगा तो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या इस पर्टिकुलर संस्था में इंटरनल ऑडिट का प्रावधान है। जैसे उसने कहा कि हाँ इंटरनल ऑडिट का प्रावधान है, अब वो नंबर वन पे शुरू करता है कि अगर है इंटरनल चेक सिस्टम, अगर है तो वो कैसे इफेक्टिवली होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले, एन ऑडिटर शुड वेरीफाई द कंट्रोल सिस्टम कंसर्निंग प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि जो भी फिक्स एसेट्स परचेज की जाती हैं उसका प्रॉपर कोटेशन वगैरह मंगाया जा रहा है या नहीं, अकाउंट्स जिस तरीके से रखे जा रहे हैं वो उस रेगुलेशन में आ रहे हैं या नहीं, उसी के अकॉर्डिंगली चेक किए गए हैं या नहीं। फिक्स एसेट्स को सही तरीके से खरीदना, या इसके अलावा जो बहुत सारे मटेरियल जो इस कॉलेज में यूज होते हैं उनका परचेज किस तरीके से किया जा रहा है। अगर कॉलेज के पास या किसी शैक्षणिक संस्था के पास पैसा बचता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट भी हम इसलिए पूछता है कि इन्वेस्टमेंट भी हम किसी कॉमर्शियल उसमें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहली लाइन ही मैंने आपको बताई थी कि जो भी शैक्षणिक संस्था होती है उस शैक्षणिक संस्था का जो औचित्य होता है, जो उद्देश्य होता है, वो लाभ कमाना नहीं होता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बच्चों से फीस ली और बच्चों से फीस लेने के बाद उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पैसा हमारे पास बचता है या एक कॉलेज के पास बचता है तो उसका यूज किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर वो इन्वेस्ट किया गया है, तो वो देखना। नेक्स्ट है, वेदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, द व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज टेकन फॉर अनक्लियर्ड चेक व्हिच वी आर पेंडिंग सिंस लॉन्ग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप सभी ने जानते हैं आप लोग, एक लाइन का एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनाया जाता है जब हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक मिलान नहीं करती। अगर हम इसको डेली बनाएं तो डेली बनाने में हमें फायदा ये होता है कि आज के दिन भर के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन उसमें कैशबुक में भी आने चाहिए और बैंक की पासबुक में भी आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें कभी कैशबुक में एंट्री हो जाती है और कई बार बैंक बुक में एंट्री हो जाती है। तो शाम को 5 बजे के बाद बैंक रिकंसिलिएशन हमें डेली बना लेना चाहिए कि आज के दिन भर के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सेम है या नहीं। अगर हम उसको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इवन 1 महीने के बाद ही बनाएंगे तो उन ट्रांजेक्शन को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेली बनाया जाना चाहिए, डेली का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो उसका ये देखना है, पहला काम ही करेगा कि इंटरनल चेकिंग सिस्टम में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेगुलर बेस पे बनाया जा रहा है या नहीं। अगर बनाया जा रहा है तो जो अनक्लियर्ड बैलेंस है उसके लिए क्या प्रोविजन किए जा रहे हैं, उसको कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं या उसके लिए हम कैसे लिख रहे हैं या किस तरीके से हम अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, वो देखना। नेक्स्ट है, वेदर वेवर ऑफ फीस इज प्रॉपरली सैंक्शन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। कई बार बच्चों की फीस कॉलेज में माफ की जाती है या स्कूल में माफ की जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में देखना पड़ेगा कि कौन सी अथॉरिटी ने या उसकी सक्षम अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उसको सैंक्शन किया गया हो। ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसका कॉलेज में कोई रोल नहीं है या वो एक थर्ड पर्सन है, उसको कोई ऑथराइजेशन नहीं है और उसके द्वारा एक लिख के दे दिया कि इसकी फीस माफ की जाए और हमने फीस को माफ कर दिया।
तो देखना पड़ेगा कि फीस जो माफ की गई है वो अकॉर्डिंग टू रूल या एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा उस फीस को वेव किया गया है. नेक्स्ट है, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग फीस एंड द कैशियर शुड नॉट बी सेम पर्सन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार क्या होता है कि स्टाफ में लोगों की कमी होती है, तो जो कैशियर होता है वही कैशियर पैसा रिसीव भी करता है और वही जाकर बैंक में जमा भी करता है. तो हमेशा ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए, एक को रिसीव करना चाहिए और दूसरे को जाके बैंक में जमा करना चाहिए. तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑडिटर जब किसी संस्था के लिए ऑडिट करने के लिए जाएगा तो वो देखेगा कि दो तरह के लोग ही इस पर्टिकुलर काम में लगे हुए हैं. ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है, क्लास वाइज फीस रिसीवेबल एंड द एक्चुअल फीस रिसीव्ड कंसाइल्ड और नॉट. जो भी हमें क्लास वाइज फीस रिसीव हो रही है वो हमें प्रॉपर टाइम में मिल रही है और साथ ही साथ में जितनी एक्चुअल फीस मिल रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए. एक्चुअल रिसीव अमाउंट और जो हमने आकलन किया है. जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर हमारे कॉलेज में 100 बच्चे हैं, एक बच्चा 100 रुपए देता है तो टोटल 1000 रुपए हमें मिल रहे हैं. 10000 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं तो ये 10000 रुपए अगर किसी 8000 रुपए रिसीव हुए तो 2000 हमें एक्रूड दिखने चाहिए कि 2000 रुपए हमें और प्राप्त होने. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने देखा काउंट किया तो 100 बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में रिसीविंग अमाउंट काउंट कर रहे हैं तो रिसीवेबल और रिसीव्ड अमाउंट में अंतर आ रहा है. तो ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर कलेक्टेड फीस इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अ डेली बेसिस. जो डेली फीस रिसीव होती है उसको डेली बैंक में जमा करना है, तब हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सही बनेगा और साथ में हम उसको भूलेंगे भी नहीं. नेक्स्ट डे नहीं जाना चाहिए. जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उस अमाउंट को उसी दिन 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद या जैसा बैंक और आपस में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उसी दिन जमा होना चाहिए. कई बार आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जब आप काउंटर पे फीस जमा करने जाते हो तो काउंटर पे जो फी क्लर्क होता है वो बोल देता है कि नहीं अब कल जमा करना. क्यों? क्योंकि वो 3 बजे के बाद आप जमा करने जा रहे हो और उसको पैसा जाके बैंक में जमा करना है. तो इस तरह की सिचुएशन मतलब आती है और हमको खुद को पता भी है. तो ये भी देखना चाहिए कि डेली बेसिस पे हमारा अमाउंट जो है वो जमा होना चाहिए. नेक्स्ट है, फीस कलेक्शन रजिस्टर शुड बी मेंटेन ऑन अ डेली बेसिस. रोज फीस रिसीव हो रही है, रोज फीस हमको बैंक में जमा करनी है और रजिस्टर में रोज लिखी जानी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमको अमाउंट रिसीव हुआ और हमने सोच लिया कि हम इसको कल लिखेंगे. तो डेली फीस रिसीव हो और डेली हमें उसे रजिस्टर में नोट डाउन करनी है. नेक्स्ट है, वेदर अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर और स्पोर्ट्स मटेरियल स्टेशनरी लैब आइटम आर रेडीली अवेलेबल. जो भी अप्रूव लिस्ट है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हमने परचेज किया है तो उस लिस्ट का वेरिफिकेशन या फिजिकली वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है. ऐसा नहीं है कि हमने लिस्ट तो बना ली, परचेस भी कर लिया, अमाउंट भी हमारे पास एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन अमाउंट के बाद हमने देखा तो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनको बुलाकर कि ये चीजें खरीदी गई थी, इन चीजें ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं, यानी कि उसका स्टॉक वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है. इतनी ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई. नेक्स्ट आते हैं, वेदर कंट्रोल सिस्टम फॉर पेमेंट इज एडिक्वेट और नॉट. जो कंट्रोल सिस्टम है पेमेंट का वो सही है या नहीं. किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं कि 2 या 3 लोग पेमेंट करने में लगे हैं, कोई पेमेंट भूला जा रहा है कि आज हमने पेमेंट कर दिया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई कहीं पर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखना ऑडिटर का काम है. द सिस्टम ऑफ लेटिंग आउट कॉन्फ्रेंस हॉल एंड क्लास रूम फॉर सेमिनार एंड कन्वेंशन. जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है पर्टिकुलर किसी कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, किसी सेमिनार को कराने के लिए, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्रॉपर अप्रूव्ड है या नहीं. ऐसा तो नहीं कि हमने खर्चा तो कर लिया लेकिन उसका अप्रूवल हमने कहीं से नहीं लिया. तो जब हम उसके बिल सबमिट करेंगे तो उसका पेमेंट हमें नहीं होगा. नेक्स्ट है, वेदर फीस स्ट्रक्चर इज प्रॉपरली ऑथराइज अलॉन्ग विथ चेंजेस इन फी स्ट्रक्चर. अगर है, जैसे अब आप लोग इस सेमेस्टर के हैं, नए बच्चे आएंगे, फर्स्ट ईयर में जो फीस स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो उस फीस स्ट्रक्चर को ऑथराइज चेंज होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए हमने 16-17-18 का बजट बनाया, 17-18 में हमारे 10 लाख रुपए खर्च होने थे, अब खर्च हो गए 15 लाख रुपए. तो हमने बिना किसी अथॉरिटी के 18-19 में जब हम एडमिशन कर रहे हैं तो हमने 15 लाख का बजट बना लिया और ये सोचा कि 5 लाख रुपए बच्चों से फीस हमें ज्यादा लेनी है. तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए.
प्रॉपर ऑथराइज सिस्टम से वो फीस स्ट्रक्चर पास होना चाहिए और उसके बाद ही हमें आगे काम करना चाहिए कि अब हमें नेक्स्ट सेशन के लिए इतनी फीस है, तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है और साथ साथ में उस पर्टिकुलर ऑथराइजेशन का या गवर्निंग बॉडी का ध्यान रखना है जहां से वो पर्टिकुलर कॉलेज गवर्न होता है। अब हम लोग आ जाएं कि जो महाविद्यालय या जो भी शैक्षणिक संस्थान होता है उसमें जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज होती हैं उसका ऑडिट किस तरीके से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के एसेट्स का आप ऑडिट किस प्रकार करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उस समय एक ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स रजिस्टर शुड बी डन कंसीडरिंग ग्रांट ऑन परचेस ऑफ एसेट्स इफ एनी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर कहीं से हमें ग्रांट मिली है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिली हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडी से मिली हो, किसी भी तरह की कोई ग्रांट अगर हमें मिली है तो उसका वेरिफिकेशन, उसका रजिस्टर में एंट्री, प्रॉपर जगह उसकी एंट्री अवेलेबल होनी चाहिए कि जब भी वेरिफिकेशन हो तो दोनों चीजें हमें साथ में मिल जाए कि किसके लिए ग्रांट मिली है और ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हमें किसके लिए करना था। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स और एज पर द कंपनीज एक्ट विच एवर इज एप्लीकेशन। बहुत सारी एसेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन भी पढ़ा है, हर एसेट पर डेप्रिसिएशन या फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो जो डेप्रिसिएशन लगाने का जो मेथड है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर 10% लग रहा है उस पर हमने 20% लगा दिया और 5 साल में अपने एसेट्स को फिनिश कर दिया, या जहां पर बहुत ज्यादा लगना है डेप्रिसिएशन उसको हमने ना मिनिमम रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और अपने एसेट्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो प्रॉपर इनकम टैक्स आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, उसमें कई सारी आपने रेट्स भी दे रखी होंगी कि कौन सी पर्टिकुलर टाइप की एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कितना कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो उन डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज होता है उसी के अकॉर्डिंगली परसेंटेज उसमें लिखा होना चाहिए। तो ऑडिटर का यहाँ पर काम ये है कि जो डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एसेट में लगता है वही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या उसके अलावा कोई और डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं कर दिया, उसका ध्यान देना। नेक्स्ट, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज रनिंग अंडर इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट इट इज मस्ट फॉर एन ऑडिटर टू चेक वेयर इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड, बिकॉज एज पर द इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज ओनली। ये छोटा सा पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था अभी कि अगर हमारे पास पैसा बचता है, एक्सपेंडिचर हमारा इतना नहीं हो रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारे पास पैसा बचा है उसका इन्वेस्टमेंट हमने किस तरह की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाया है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड है जिसे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है वो पर्टिकुलर इसी तरह के इंस्टीट्यूशन में लगेगा, तो ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, इफ डोनेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एन ऑडिटर हैज टू चेक ऑल द रिलेटेड करस्पोंडेंस विद द डोनर। जिसके द्वारा भी किसी महाविद्यालय को या स्कूल को डोनेशन रिसीव हुआ है तो हमें देखना है कि वो जो डोनर है किसने हमें डोनेशन दिया है। ऐसा तो नहीं कि अचानक किसी ने हमको उसके पास ज्यादा पैसे और हमारे ना अकाउंट में जमा कर दिए हों, तो उसकी पूरा पर्टिकुलर डोनर का पूरा पर्टिकुलर हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ऑल द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ शुड बी फुलफिल्ड फॉर द परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेस की जाती है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने फिक्स एसेट की खरीदी है वो अपनी मर्जी से खरीद ली, पहले से प्रॉपर हमें कोटेशन मंगाना है, उस कोटेशन के अकॉर्डिंगली हमें उस कोटेशन को खुलवाना है, उसमें जो सबसे लो रेट का कोटेशन है उसको पास करना है और उसके बाद हमें अपनी आगे की प्रोसेस करनी है। तो वो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट में जो भी हमारा पैसा लगा हुआ है वो प्रॉपर वे में लगा हुआ होना चाहिए या उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट, एन ऑडिटर शुड रीड एंड नोट डाउन द स्टेट कोड एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंडीशन एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रांट। He should also verify the requirement of state या UGC which are to be fulfilled by education institution for receiving grant and also
फॉर कंडीशन ऑफ या कंटिन्यूशन ऑफ ग्रांट. कई बार आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में या आपके टीचर्स भी बताते होंगे कि पर्टिकुलर हमें इस काम के लिए ग्रांट मिली है, तो अगर आपने ग्रांट को प्रॉपर टाइम में खर्च नहीं किया तो वो ग्रांट आपको वापस करनी पड़ेगी. और वापस करने के साथ साथ अगर वो ग्रांट आपको कंटिन्यू 5 ईयर का मिलनी है और आपने फर्स्ट ईयर ही नहीं खर्च किया तो नेक्स्ट ईयर ग्रांट आपकी खत्म हो जाएगी. तो ऑडिटर का यहाँ पर ये भी काम है कि जो ग्रांट, एक तो पहला काम उसका ये हो गया कि जो आपको ग्रांट मिली है उसका प्रॉपर उसी काम के लिए यूज हो रहा है कि नहीं जिस काम के लिए ग्रांट मिला है. दूसरा कि हमने उसको सीमा अवधि के अंदर खत्म किया है या नहीं. तीसरा, जब हमने सीमा अवधि के अंदर खत्म कर दिया तो उसकी प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट या सीए से हमने ऑडिट कराने के बाद उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया नहीं. जब तक हम उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे हमें नेक्स्ट ईयर की ग्रांट रिसीव नहीं होगी. तो ऑडिटर का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि जहां से भी हमें ग्रांट मिली है उसका प्रॉपर यूज देख ले, यूज देखने के बाद उसका प्रोसीजर देख ले, प्रोसीजर देखने के बाद उसकी रिपोर्ट देख ले और रिपोर्ट प्रॉपर टाइम में सबमिट होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर अवधि की होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मिला 17-18 का ग्रांट और हमने उसको 16-17 में दिखा दिया, या अभी हमने खर्च नहीं किया, हमने सोचा कि अभी इस साल खर्च नहीं है इसको हम अगले साल खर्च करेंगे तो उसमें हमने दिखा दिया. तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर वे, प्रॉपर प्रोसीजर को ऑप्ट करते हुए हमें ये काम करना है. अभी हमने बात की कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसका किस तरीके से ऑडिट होता है. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो इनकम प्राप्त होती है उस इनकम का ऑडिट किस तरीके से किया जाता है. उसके कुछ पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है. तो वो देख लीजिए आप. फीस एंड चार्जेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, एग्जामिनेशन फीस शुड बी वेरीफाइड बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने फीस वसूल की है. ऐसा तो नहीं कि हमने फीस में लिखा है कि हमें 500 रुपए ट्यूशन फीस लेनी है और जब हमने फीस लेने की बात की तो बच्चों से हमने 550 रुपए ले लिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा. इसमें वो जो संस्था होगी वो डिफॉल्टर कहलाएगी. तो इस चीज का ध्यान ऑडिटर अपने ऑडिटिंग करते समय ध्यान रखेगा कि जो फी फीस स्ट्रक्चर है उसी फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फीस ली गई है या नहीं. नेक्स्ट इनकम होती है वेरिफिकेशन ऑफ काउंटर फाइल कॉपीज ऑफ फीस रिसिप्ट एंड फीस रिसीव्ड रजिस्टर शुड बी डन. जब हम फीस लेते हैं बच्चों से तो एक रजिस्टर में भी नोट करते हैं, साथ में हम उसकी रसीद एक बच्चे को देते हैं. दूसरी जो रसीद होती है वो हम खुद अपने पास संभाल के रखते हैं. तो वो जो दोनों रसीदें हैं वो दोनों अवेलेबल होनी चाहिए, काउंटर फाइल उसका होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंगली हमें आगे काम करना है. तो ये भी देखना उसका काम बनता है कि जो भी हमें फी रिसीप्ट मिली है वो प्रॉपर है या नहीं. नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब कंडीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी वेरीफाइड वेदर फुलफिल और नॉट. जो भी हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है, जो प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंगली हमने उस इनकम का यूज किया है या नहीं, या वो जो इनकम हमें रिसीव हो रही है वो इनकम हमें प्रॉपर वे में उसको उसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में जा रही है या नहीं, ये देखना ऑडिटर का काम है. नेक्स्ट है कैश बुक शुड बी वेरीफाइड विथ काउंटर फाइल ऑफ रिसीट बुक एंड फीस रजिस्टर. जो भी आपके पास कैश बुक है उस कैश बुक में जिससे हम एंट्री कर रहे हैं या डेली फीस बुक होती है डीएफसी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो एंट्री है वही हमारे कैश बुक में है या नहीं. कई बार बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो हमारे दोनों अमाउंट में अंतर आ जाता है. जैसे मान लीजिए 563 लिखना है तो हमने इसको 536 लिख दिया, तो देखने पे तो लग रहा है कि वो दोनों एक ही अमाउंट है लेकिन एक 563 है और एक 536 है. तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो ऑडिटर या सीए के द्वारा ही पकड़ी जाती हैं. तो इस तरह की गलती भी ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट डीएफसी में या किसी एक बुक में लिखा गया है वही सेम अमाउंट कैश बुक में लिखा है या नहीं, उस अमाउंट में अंतर तो नहीं है. नेक्स्ट है फीस रिसीवेबल एंड एक्चुअल फी रिसीव शुड बी रिकनसाइल्ड. जो आपके पास कैश में अमाउंट रिसीव हुआ है और जो आपने एक्चुअल में रिसीव किया है, जो मिलना चाहिए और जो एक्चुअल में मिला है वो बराबर है या नहीं, या बराबर नहीं है तो उसके पीछे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण अमाउंट आपका बराबर नहीं आ रहा है. नेक्स्ट है चार्जेस एंड फीस रिसीव एंड रिसीवेबल शुड बी एग्जामिन्ड ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन मैस हाउसकीपिंग एंड क्लॉथिंग. जो
बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं या संस्था के द्वारा जो भी बच्चों को फैसिलिटी दी जाती है उसके बदले में भी अलग से फीस बच्चों से चार्ज की जाती है, तो वो जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलर उसका एक्सपेंडिचर उसी वाले काम में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फीस तो हॉस्टल के नाम से यूज करी है या रिसीव करिए और एक्सपेंडिचर हम किसी और नाम से कर रहे हैं। तो ये देखना ऑडिटर का काम है कि जिस भी काम से हमने फीस ली है उसका यूज हमें उसी प्रॉपर वे में करना है। तो चार्जेस एंड फीस रिसीव एंड रिसीवेबल शुड बी एग्जामिन ऑन अकाउंट ऑफ, जैसे कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल होते हैं, मैस अवेलेबल होता है, हाउसकीपिंग या क्लॉथिंग जो भी चीजें होती हैं इसके लिए अगर हमने फीस चार्ज किए तो इसका एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर इसी में होना जरूरी है। नेक्स्ट है कैश बुक शुड बी वेरीफाइड विद द डोनेशन रिसीव रजिस्टर। जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक में अगर हमें किसी से डोनेशन मिला है तो डोनेशन रिसीव रजिस्टर से उसको प्रॉपर वे में उसको मिलान कर लेना है हमें। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव शुड बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डोनेशन, मीन्स केयरफुल डिस्टिंक्शन शुड बी देयर फॉर रेवेन्यू नेचर डोनेशन एंड कैपिटल नेचर डोनेशन। द सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर ग्रांट रिसीव। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमें डोनेशन मिलता है, कई बार डोनेशन हमें मिलता है, मान लीजिए हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है और कई बार हमें बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो रिपेयरिंग की मिल रहा है उसे हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली या जो हमें बिल्डिंग का मिल रहा है उसे हमें मेंटेनेंस के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डोनेशन जिस भी पर्टिकुलर काम के लिए मिले उसी काम में उस डोनेशन का यूज करना है। अगर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहा है तो हमें उस पर्टिकुलर डोनेशन का कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। अगर हमें वो डोनेशन मेंटेनेंस के लिए मिल रहा है तो वो डोनेशन हमको मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए यूज करना है। तो ऑडिटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है कि जब वो मिलान कर रहा है तो देखे, कई बार ये बात आई है कि जिस पर्टिकुलर के लिए आपने आपको रिसीव हुआ है ग्रांट उसी पर्टिकुलर के लिए आपको वो एक्सपेंडिचर करना है। नेक्स्ट है दी पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रांट शुड बी सेम। वही बात आ गई कि जो भी ग्रांट, अभी तो हम लोग डोनेशन की बात कर रहे थे, वैसे अगर हमको मान लीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई ग्रांट मिली है तो जिस काम के लिए हमें ग्रांट मिली है उसी काम के लिए हमें वो ग्रांट यूज करने हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड कैश बुक शुड बी वेरीफाइड फॉर इनकम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। जो भी हमने हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो भी हमें एक्स्ट्रा इनकम है या हमारे पास जो इनकम बची हुई है उसको अगर हमने किसी में इन्वेस्ट कर दिया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो वो वेरीफाइड होना चाहिए और वेरीफाइड उसका चाहे वो इंटरेस्ट मिल रहा हो चाहे वो डिविडेंड मिल रहा हो, दोनों वेरीफाई होनी चाहिए और वेरीफाई होने के बाद ही हम उस पर आगे काम करेंगे या देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि जो इनकम मिल रही है वो आपके कैश बुक में चढ़िए या नहीं चढ़िए। अभी हम लोग बात कर रहे थे इनकम की, ये लास्ट आपका टॉपिक है एक्सपेंसेस। जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं या एक संस्था द्वारा, एक शैक्षणिक संस्था द्वारा जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसके ऑडिट में किन किन बातों का ध्यान एक अंकक्षक के द्वारा रखा जाता है वो हम देखने जा रहे हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वाटर चार्जेस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड विथ कोटेशन, परचेस बिल्स, इनवर्ड रजिस्टर, बिल रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, ऑल परचेज शुड बी ऑथराइज बाय एप्रोप्रिएट पर्सन। यानी जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, इतने सारे एक्सपेंडिचर के नाम मैंने आपको पहले बताए थे, दूसरी स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं आपके, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, वाटर चार्जेस हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, हमने स्पोर्ट्स आइटम परचेज करके रखे हैं, ये प्रॉपरली कोटेशन के थ्रू खरीदे हैं या नहीं पहले ये देखना, खरीदने के बाद इसके परचेस बिल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी प्लेन कागज में लिख के दे दिया हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, हमारे पास पूरा पूरा परचेस बिल या कैश मेमो होना चाहिए। जब वो सामग्री हमारे पास आई है तो उसका हमने इनवर्ट रजिस्टर में एंट्री की है या नहीं, और दूसरी बात सबसे लास्ट कि इसमें जो भी खरीदारी की है वो प्रॉपर या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं, हमने अपनी मर्जी से तो वो क्रय नहीं कर लिया है, इतनी चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन केस वेयर हॉस्टल परचेज फूड आइटम्स प्रोविजन या क्लॉथिंग शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड। हॉस्टल के लिए जो भी हम खरीद रहे हैं, जैसे कोई भी फूड आइटम खरीद रहे हैं या क्लॉथ वगैरह ले रहे हैं या जो भी आपने हॉस्टल के लिए जो भी चीजें हमें प्रोवाइड हो रही हैं उस पर हमको खरीदनी है तो वो प्रॉपरली वेरीफाइड है या नहीं, उसके बाद ही हमें आगे काम करना है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड शुड बी चेक।
It is also very important that all deduction amount should be deposited in appropriate government account well within the time without any default. These can be verified from relevant bank challan. जो भी डिडक्शन, एक और सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सैलरी या प्रोविडेंट फंड के लिए जो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो जो उसको सैलरी को दे दिया वो तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास पहुंच गया, लेकिन जो पैसा उसने उसकी सैलरी से काटा है या खुद उसने जो जमा किया है, जिसको हमें गवर्नमेंट को जमा करना है, जैसे वो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी सैलरी से टैक्स कट रहा है, तो टैक्स तो हमारी सैलरी से कट गया, लेकिन टैक्स कटने के बाद वो टैक्स अथॉरिटी के पास सबमिट हो रहा है या नहीं, वो भी हमें ध्यान रखना है. तो ये जो भी डिडक्शन हो रहा है, चाहे वो इम्प्लॉई कर रहा हो चाहे वो इम्प्लॉयर कर रहा हो, लेकिन अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करना है तो प्रॉपर वे में वो जमा हो रहा है या नहीं, ये देखना भी ऑडिटर का काम है. तो हमें ये भी देखना है कि जो भी पैसा कट रहा है वो प्रॉपरली जमा हो. नेक्स्ट है, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इंक्रीमेंट पॉलिसी. Auditor should verify the computation of salary and check whether all required deduction are made out of it or not, like advance salary, loan installment, absence from duty, employee state insurance, provident fund. The net salary payable amount will be verified from cash book and bank passbook for salary paid. कई बार employee के द्वारा अपने employer से advance salary ले ली जाती है, GPF एडवांस ले लिया जाता है, जिसका डिडक्शन फ्यूचर टाइम में होता है. तो जो हमने एडवांस दिया है उसकी इंस्टॉलमेंट बनी है, तो हर महीने प्रॉपर वे में उसकी इंस्टॉलमेंट उस पर्सन की सैलरी से काटी जा रही है या नहीं काटी जा रही है, ये भी ऑडिटर का देखने का काम है. नेक्स्ट है ऑडिट जो एक्सपेंसेस और कौन कौन से होते हैं. टर्म्स एंड कंडीशन, कैश बुक, वाउचर एंड रिसिप्ट शुड बी दी बेसिस फॉर दी वेरिफिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप पैड. जो भी स्कॉलरशिप संस्था द्वारा अपने बच्चों को दी जा रही है, स्टूडेंट्स को दी जा रही है, उसका कैश बुक में एंट्री है या नहीं, उसके वाउचर और रिसिप्ट प्रॉपर वे में बने हैं या नहीं, या जैसा अथॉरिटी ने हमें अप्लाई करने के लिए कहा है वैसे हमने अप्लाई किया है या नहीं, उसको देखना. इसके अलावा appropriate provision should be made on account of outstanding payment. कोई हमारे पास ऐसा payment है जिसको हमें जिसको ये देखना है कि जो हमारे पास available payment है वो हमने proper way में किया है या नहीं, और जो outstanding है, outstanding होने का मतलब जैसे 31 मार्च अभी आ रहा है, बहुत सारे payment ऐसे हैं जो मार्च में किए जाने चाहिए थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन payment को अप्रैल मंथ में करना लेकिन उसको outstanding के नाम से रखा जाना, तो उसका proper चेकिंग करना भी ऑडिटर का काम है. तो आज हम लोगों ने, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से किन किन चीजों का हम लोगों ने पढ़ लिया या देख लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से, अगर आपने सुना होगा तो आप अपने आप लिख पाओगे. एक हमने देखा कि शिक्षण संस्थाओं के ऑडिट में किन किन तरीके की इनकम और किस किस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं. दूसरा हमने इसमें देखा कि अगर उस पर्टिकुलर संस्था में इंटरनल चेकिंग सिस्टम है तो वो चेकिंग सिस्टम में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है. फिर हमने देखा उस संस्था की संपत्तियों का वेरिफिकेशन एक ऑडिटर के द्वारा कैसे किया जाता है. इनकम अगर हमें रिसीव हो रही है तो उसका हमें वेरिफिकेशन कैसे किया जाना है. अगर एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंडिचर को करने के लिए, हमें एक्सपेंडिचर जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से हमारे पास वाउचर अवेलेबल होने चाहिए. तो आशा करती हूँ मैं कि आपको जो आज लेक्चर आपको मिला है, इस लेक्चर पर आप ध्यान देंगे और उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे और अपने आप लिख पाएंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.